For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. अब बात कर लेते हैं इश्क में मर जावा की कहानी की, जहां आप देख रहे हैं कि कैसे पहले तो भाई बहन ड्रामा कर रहे थे, यानी कि चवन्नी और आरोही, तो वहीं अब तारा भी पहुंच गई है सबको मात देने के लिए और ऐसे सीन्स लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। जी हां, आपको हम बता दें कि शो के पिछले एपिसोड को देखकर लोगों के काफी अच्छे रिव्यूज आए हैं, जहां लोगों का ये मानना है कि अब आरोही की मदद करने के लिए कोई तो सामने आ रहा है, जहां आरोही की मदद करने और कोई नहीं बल्कि पहले तो विराट आया है और करे भी क्यों ना, क्योंकि यही सब सीन्स तो लोगों को देखने में मजा आता है। जहां वो भाई बहन का प्यार भी देखना चाहते हैं तो वहीं दूसरी ओर दीप और आरोही का भी प्यार देखना चाहते हैं, लेकिन इन सब के लिए अभी दर्शकों को इंतजार करना पड़ रहा है। कहां शो में आप देख रहे हैं कि दीप तो अभी आरोही से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो तारा के पास भी जाता है, लेकिन वो तारा से भी काफी अच्छे से बात नहीं करता, जो की वजह है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर दीप चाहता क्या है, और दीप का यही कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद भी आता है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि दीप के कैरेक्टर के बारे में लोगों का कहना है कि वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं दीप को और उनकी कहानी भी उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि आखिर शो की कहानी में अब दीप कब सुधरता है और कब वो और भी ज्यादा लोगों को खुश करता है। जानने के लिए बन जमा साथ, फिलहाल मैं शुरू में बस इतना ही, और अपने फेवरेट शो इश्क में मर जावा से जो लेटेस्ट अपडेट्स और हर रिव्यूज को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।